कच्चे ये अमरूद सॉफ्ट होता है सर, ये कलरी या सॉफ्ट है इसका? भाई दांत ही टूट जाएंगे, सॉफ्ट क्या रहेंगे फिर? हैं कुछ सॉफ्ट होते हैं बट मुझे लग रहा है कि दांत ही ना टूट जाए, इतने सॉफ्ट है ये। सॉफ्ट होता है ये, पक्के येलो नहीं होते, ये तो ग्रीन है पूरे। रजाई गद्दे लो, पिल्लो लो, चुपचाप से सो जाओ भाई, टाइम लगने वाला है गाड़ी को अच्छा खासा। पे चल रहा है देखिए हाइलक्स का काम, ये देखिए टायर वगैरह खोल दिए और इसके बाद इसका काम चलेगा, इसको भी थोड़ी सी लिफ्ट करेंगे। तो अभी चला हाइलक्स को लिफ्ट करने का काम देखिए। और ये देखिए रात का टाइम है और भाई लगे मशक्कत करने। भाई ठंड नहीं हो रही आपको? वो भी है। हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत स्टार्ट हो रही है चंडीगढ़ से। तो देखिए सुबह सुबह का काम, हम लोग गए थे दूध, एग्स और ब्रेड, हार्पिक भी लिया है भाई। लगभग 2 महीने हो गए फ्लैट ऐसे ही खाली पड़ा था, तो थोड़ा साफ सफाई भी करनी पड़ेगी फ्लैट की। और सुबह सुबह का हम लोग ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए सारा सामान ले आए हैं। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और यहाँ पे देखिए मैं मस्त होकर चला हूँ। अगर मनाली में होता ना इस टाइम, भाई ठंड से इतनी हालत ख़राब हो जाती ना, बट यहाँ पे मस्त माहौल है, अच्छे से चले हुए हम लोग घूम रहे हैं। तो फर्स्टली सबसे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे रेडी होएंगे, उसके बाद निकलेंगे हम लोग आज फिर से जिमनी का काम करवाने। तो यार मैं तो भूल ही गया कहाँ से आया था, जिमनी का काम तो करवाएंगे ना, लेकिन हम लोग भाई यही खजलमेंट है देखिए यहाँ पे ना, हर एक स्ट्रीट एक जैसी है सेम सेम, और मैं अपने फ्लैट ही भूल गया कहाँ पे था। तो उससे पहले बता देते फ्लैट ढूंढ लेंगे। तो फर्स्टली आज हम लोग दोनों जिमनी लेके जाएंगे, उसकी फ्लोरिंग करनी है, उसके अपना छत लगानी है ब्लैक कलर की करनी है, उसमें स्टैंडिंग लगाने, अपने सीढ़ियाँ भी लगानी है, वो भी देखेंगे आज। और उसके बाद PPF का देख रहे हैं यार, PPF ना बहुत महंगी पड़ रही है, लगभग 80-90 हज़ार बोल रहे हैं, उतने में तो रीपेंट हो जाएगी गाड़ी, तो मुझे नहीं लगता कि वर्थ इट है, बट देखेंगे फिर भी कोई अगर थोड़ा सस्ता सा मिलता है, बट इतना मुझे लग नहीं रहा है जितना कि हम लोगों ने देखा कि इतना सस्ता मिलेगा, बट देखते हैं। फर्स्टली चलते हैं यार, पहले फ्लैट ढूंढते हैं। मैं फिर से ना दूसरों के फ्लैट पर घुस गया था, लोग ना मार मार के भगाएंगे मुझे। सारे जितने भी फ्लैट्स हैं ना सारे सेम सेम ही लगते हैं भाई, देखिए सारी गलियां ना एक सेम सी है। ये तो भाई फिर भी थोड़ा सा मतलब हाईवे से ज़्यादा दूर नहीं है, अगर हाईवे से दूर होगा ना कहीं गांव वगैरह में, भाई मैं गायब हो जाऊँगा सुबह सुबह। सुबह सुबह बच्चे देखिए यहाँ रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो फाइनली अच्छा यही है सामने, छोटे बच्चों को पहचान गया, यही बच्चे थे और जब मैं यहाँ से गया था सामान लेने और वापस आ रहा हूँ तो सेम यही बच्चे हैं। भाई साहब अभी तक ना मैं 3 फ्लैट की एंट्री मार चुका हूँ लोगों के, वहाँ वो फाइनली मिल गया मुझे ना, जिमनी दिख गई दूर से ही, वरना तो मैं गायब भी हो गया था। तो चलिए ऑलमोस्ट पहुँच गए, अभी जाते हैं अंदर, करते हैं अपना काम, फिर मिलते तैयार होके। तो देखिए फ्लैट से जो नज़ारा दिख रहा है ना वो कुछ इस तरह का है, सारी जगह फ्लैट्स ही फ्लैट्स, और एक जिमनी इधर लगी है अपनी, एक जिमनी उधर लगी है, दोनों रेड कलर के साथ साथ ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और जब हम लोग पिछली बार आते थे ना तो अपना जो पूरा आसमान होता था पूरा ऐसे धुंध छाई होती थी चारों तरफ, ऐसे देखते थे ना चारों तरफ धुंध ही धुंध होती थी, लेकिन इस बार जब हम लोग आए तो बिल्कुल साफ क्लियर आसमान है। तो देखिए बिल्कुल सामने सामने तक पूरा दिख रहा है, कुछ भी ऐसा छुप नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, अगर एक बार आप फ्लैट से बाहर निकल जाओ ना फिर वो गली ढूंढते ढूंढते ही मतलब पजल हो जाते हैं कि भाई कौन सी गली होगी। मैं कम से कम ना 3 गलियों में घुस गया ऐसे जिस मर्जी के, वहाँ पे देख रहा हूँ भाई जिमनी नहीं लगी है, फिर अगली में गया वहाँ पे जिमनी नहीं लगी है, और एग्जैक्टली ना मैं फ्लैट नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था कि जिमनी कहाँ लेगी, जहाँ पे जिमनी दिखेगी बस वही होगा फ्लैट अपना। तो चलिए फाइनली पहुँच गए मशक्कत करते करते। तो फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं, तो एक जिमनी अपनी जा चुके, दूसरी जिमनी ये रही, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। सबसे पहले ना काम है अपना, तो सबसे पहले इसका कैरियर देखेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरी जिमनी में फ्लोरिंग करनी है वो करवाएंगे, और इसकी ना ये छत थोड़ी ब्लैक करनी थी, ये वाला काम करना है, और उसके बाद PPF का पूछेंगे। तो फर्स्टली निकलते हैं सबसे पहले यहाँ से और आगे का सीन बताते हैं आप लोगों को। तो हम लोग फ्लैट से निकले ही थे कि भाई ने बोला कि कोई बियर्ड करा रहा है, कोई बाल कटिंग करवा रहा है, तो ये रहा सैलून, और एक जिमनी धुलवा रहे हैं, एक तो चलो ऐसी इसको बाद में धुलवाएंगे। तो भाई करवा रहे हैं यहाँ पे कटिंग, अच्छा शेविंग करवा रहे,
तो चलिए हम लोग बैठते हैं जब तक भाई करवाएंगे। देखिए भाई साहब, पहली जिमनी तो धुलने के लिए रेडी हो चुकी है। फॉग वॉश हो रहा है, फॉग वॉश हो रहा, पता नहीं क्या वॉश हो रहा। तो देखिए अभी दूसरी गाड़ी को तो टाइम लगेगा। तो देखिए एक गाड़ी धुल रही है और दूसरी गाड़ी धुल के चमक चुकी है एकदम से। देखिए तो पिछले कल हम लोग धूल मिट्टी से आए ना, तो एक अलग ही इसकी वो लुक आ रही थी, लेकिन धो के देखिए एक अलग ही लुक आ रही है इसकी। अभी तो साफ सफाई कर रहे हैं, उसके बाद भाई कलर देखिए क्या आ रहे हैं, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ है ना, कलर एकदम से आ रहे, चमक रहे इसके। अभी दूसरी भी धुलेगी ना, जब दोनों एक साथ खड़ी करें ना भाई, तब लगेगी गाड़ी क्या लग रही है। भाई पूरा पानी आ रहा है यहाँ तक। तो देखिए वॉशिंग करा के आ चुके हैं, तो अभी रुके हैं हम लोग अमरूद लेने यहाँ पे। भाई कच्चे ये अमरूद सॉफ्ट होता है सर, कल भी ऐसा होता है इसका। भाई दांत ही टूट जाएंगे, सॉफ्ट क्या रहेंगे फिर हैं? कैसा भी डालो, कटवा के देखिए। भाई बोल रहे बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, बट मुझे लग रहा है कि दांत ही ना टूट जाए, इतने सॉफ्ट है ये। सॉफ्ट होता है ये, पक्के येलो नहीं होते, ये तो ग्रीन है पूरे। तो अभी हम लोग अमरूद ले रहे हैं, उसके बाद जाएंगे हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया जो कि अपने एलांटे मॉल के साथ है, वहाँ पे सामान देखना है अपना, जिमनी का कैरियर लगाना है और इसकी फ्लोरिंग वगैरह करनी है। तो भाई देख लेते हैं यहाँ पे, भाई बोल तो रहे सॉफ्ट होंगे, देखते हैं। अभी ऐसे ऐसे लो ना जो थोड़ा येल्लो से हो, ये अच्छा है, ये डालो भाई इसको। हाँ देखो परफेक्ट आया ना। तो हम लोग अभी हाईवे पे, देखिए भाई साहब यहाँ तो ना साइड में खड़ने को भी कम से कम आपका 4 किलोमीटर आगे जाके खड़ना पड़ता है, अपनी मनाली की तरह नहीं, कहीं पे भी साइड में गाड़ी लगाई और खड़े हो गए। यहाँ पर भी है देखिए, बिल्कुल यार ये ऐसे लग रहे हैं ना जैसे कि कच्चे है, लेकिन भाई बोल रहा है बिल्कुल सॉफ्ट है। यहाँ से देखिए कटिंग करके रखा हुआ है, लग तो रहा है सॉफ्ट, बाकी खा के लगेगा पता कैसा है। यहाँ पे देखिए भैया है जो कि सेल कर रहे, दो भैया यहाँ पे। कहाँ से हो भाई आप लोग? अच्छा चंडीगढ़ से हो, ठीक है भाई मिलते हैं बहुत जल्दी। तो चलिए हम लोगों ने ले लिया है, अभी बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं फटाफट से। भाई सही है, भाई ने बोला था बिल्कुल सॉफ्ट होंगे अंदर से, और उन्होंने ना नमक डाल के दिया है, तो बिल्कुल सही है। बाहर से बिल्कुल ग्रीन लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हार्ड होगा, लेकिन जब खाते ना बिल्कुल सॉफ्टली। देखो सही, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रेवर्ट्स में, तो यहाँ पे जाके पूछेंगे कैरियर एसेसरी जो जो भी लगाना है। चलिए अंदर चलते और पहले पूछते हैं भाई। दिला भाई स्माइल कर, देखो रशियन तो नहीं देखे आपने भी। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ मिलेगा भाई, ये सब देखिए थार के फ्रंट के लगे हुए, सब थार के फ्रंट के ले। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, इन्होंने 5 मिनट का टाइम दिया हुआ है हमें, 5 मिनट बाद ये बताएंगे कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए अभी आ चुके हैं हम लोग स्नॉर्कल लगाने यहाँ पे, तो फर्स्टली स्नॉर्कल लगाएंगे, उसके बाद जो अपना कैरियर है उसको टाइम लगने वाला है। इन्होंने बोला कि डिलीवरी आ रही है, ट्रक वाले पता नहीं कब तक आएंगे, 1 से 2 घंटे 3-4 घंटे भी लग सकते हैं। तो सबसे पहले स्नॉर्कल लगाएंगे, उसके बाद इसका देखेंगे, फिर दूसरी गाड़ी में फ्लोरिंग करनी है उसका काम करने जाएंगे, और उसके बाद शायद एलांटे मॉल भी जाएंगे, थोड़ी शॉपिंग करनी है, बताएंगे सारा सीन आपको। तो यहाँ पे देखिए थार मॉडिफाइड करा रहे हैं, वाइट कलर की एक ब्लैक कलर की। भाई साहब टायर देखिए इसके, ओ भाई अपने जिमनी के टायर इतने इतने लग रहे हैं इसके सामने, और ये देखिए पूरा मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। वो देखिए जिमनी के टायर ना बिल्कुल छोटे से लग रहे, और इसके टायर देखिए भाई, बट वाइट कलर की ऑसम लग रही है देखिए। और यहाँ पे बहुत सी गाड़ी खड़ी है, इसुजू वगैरह, और अपनी गाड़ी को टाइम लगने वाला है थोड़ा सा। तो इन्होंने कहा कि चुपचाप रजाई गद्दे लो, पिल्लो लो, चुपचाप से सो जाओ भाई, टाइम लगने वाला है गाड़ी को अच्छा खासा। मुझे लगा था फटाफट से हो जाएगा, बट जिस हिसाब से ये लोग कह रहे हैं कि सारा सामान लगाने को भी आज पूरा दिन चला जाएगा, क्या करना भाई, गाड़ी का कुछ काम करवाना है तो वेट भी करना पड़ेगा और पेशेंस भी रखना पड़ेगा। चलिए पहले तो यार ये जरा लगा लेना स्नॉर्कल, तब दिखाते हैं आपको। तो देखिए आ चुका है जिमनी का कैरियर, ये देखिए भाई कैरियर जिमनी का कुछ इस तरह का। तो अभी कैरियर लगाने का काम स्टार्ट हो गया है,
ये देखिए कैरियर की पूरी तैयारी हो चुकी है, सारे इसके जितने भी जैक वगैरह लेकर आ चुके हैं और ये अभी ला रहे कैरियर उधर से, और सामने भी ऑलमोस्ट अपना काम डन हो चुका है। ये देखिए, तो देखिए छत का काम स्टार्ट हो चुका है कैरियर का, यानी कि अभी टेम्परेरी इन्होंने टिका के रखा है। अभी अच्छे से देखेंगे कहाँ पे इसकी अलाइनमेंट बैटरी है, उसके बाद करेंगे। और साथ ही साथ एक XUV 700 आई है, देखिए न्यू निकल गए मॉडिफाई के लिए। सही है, लाइनें लग चुके हैं यहाँ पे गाड़ी की। अंदर शायद पेंटिंग का काम चल रहा है, तो सारे ना ऐसे पेंटिंग की स्मेल आ रही है, ऐसे सिर में दर्द लग गई। वो देखिए अंदर पेंट का काम चल रहा है वहाँ पे, और पूरे ऐसे ना सिर में ऐसे लग रहा है कि चक्कर आ रहे हैं, मतलब पूरे थिनर की स्मेलिंग आ रही है बहुत तेज, और लगभग अपना काम होने ही वाला है। देखिए अब तो भाई साहब बाहर बैठ बैठ के ना ऐसे नींद आ रही है, इतनी धूप है, तो अंदर चुपचाप सो जाओ इधर मस्त वाला ना जब तक होता है, और जैसे ही होता है उसके बाद दिखाते हैं कैरियर कैसा लग रहा है। और स्नोर्कल तो ऑलमोस्ट डन होने वाला है, अभी भी नहीं हुआ डन यार, मुझे लगा था पहले डन हो गया होगा, अभी हुआ नहीं है। तो चलिए अभी वेट करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो देखिए काम ऑलमोस्ट डन होने वाला है थोड़ी देर में। एक तो धूप की किरण है ना ऐसे सीधे पड़ रही है गाड़ी के ऊपर, तो रिफ्लेक्ट कर रहा है कैमरे के ऊपर। तो हियर इज द गाड़ी, तो कुछ इस तरह की लुक आ रही है देखिए इस टाइम। तो ये लग चुका है स्नॉर्कल, ये देखिए, और ये रख चुकी है अपनी ऊपर की ग्रिल वाली छत, तो कुछ इस तरह की लुक आ रही है। तो सही है भाई, अभी ऑसम वाली लग रही है, थोड़ी दूर जाके दिखाता हूँ। तो फाइनली अपना काम ख़त्म हो चुका है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं एलेंटे मॉल जाएंगे, या तो फिर जो दूसरे जिमनी का काम चला है वहाँ पे जाएंगे। तो फर्स्टली अपना लंच भी करना, लंच भी नहीं किया है, तो अपनी जिमनी अब मक्खन लग रही है भाई। तो इसका छत लग गया, तो यहाँ से सीढ़ी लगती है, लेकिन हम लोगों ने सीढ़ी नहीं लगाई क्योंकि लुक अजीब सा हो रहा था, मतलब एक डिफरेंट लुक जा रहा था, तो उसको अगली बार देखेंगे। अभी चंडीगढ़ आना है थोड़े दिन बाद फिर से, तो फिलहाल देखिए भाई अब लग रही है ना थोड़ी मक्खन सी, जिप्सी बोल रहा हूँ मैं, बार बार ना जिप्सी की याद आती है, अभी जिमनी ले लिए तो जिमनी, जिप्सी की तो ख़त्म। तो चलिए अभी चलते हैं, देखते हैं लंच करने एलेंटे मॉल जाएंगे, थोड़ी शॉपिंग भी करनी है, बाकी बताते हैं सीन, सीधे बैठते हैं यहाँ से। तो निकल चुके हैं फाइनली, तो देखिए एक बार ना साउंड चेक करते हैं भाई गाड़ी का स्नॉर्कल लगा के कैसा आ रहा है। ये अब मजा आ रहा है थोड़ा भाई, बाहर ज्यादा साउंड आ रहा है, और आगे देखिए पुलिस वाले भी जा रहे भाई साहब, ऐसा ना हो कि हमारा चालान काट दे, उससे आराम से चलते थोड़ा। वो देखिए गाड़ी वाला चला हुआ अपने हाइलक्स के पीछे पीछे भाई साहब, पुलिस वालों ने यहाँ पे देखिए बस 100 मीटर चलते फिर से लाइट, 100 मीटर चलो फिर से लाइट भाई, अभी तो ग्रीन सिग्नल है, चलते जाएंगे सीधे सीधे हम लोग। वो ये रही साथ में अपनी HP 67A0010 हाइलक्स, ये भी अपने साथ ही आए भाई। भाई हम लोगों ने ये भी लगाया था साथ में, भाई भी, भाई को पूरा पता है, नॉलेज है, तो बस यहीं से लेफ्ट मुड़ेंगे हम लोग, ये शॉर्टकट है। तो हम लोग लंच करके आ चुके हैं, लंच भी हो चुका है, और मुझे लग रहा है डिनर भी यही होने वाला है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लैट की तरफ, क्योंकि जो काम करवाना था अभी तक हुआ नहीं है, दूसरा काम, क्योंकि सामान ही नहीं पहुँचा इनके पास। तो हम लोग अभी भी खड़े हैं दूसरी जगह शोरूम के बाहर, तो अभी चलते हैं यहाँ से, देखते हैं एक दूसरे शोरूम में मिलता है वेल एंड गुड, वरना तो फिर वापस फ्लैट की तरफ चलेंगे। तो अभी वापस आ चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पे चल रहा है देखिए हाइलक्स का काम, ये देखिए टायर वगैरह खोल दिए, और इसके बाद इसका काम चलेगा, इसको भी थोड़ी सी लिफ्ट करेंगे। तो अभी चला हाइलक्स को लिफ्ट करने का काम देखिए, और उसके बाद अपने जिमनी को भी लिफ्ट करने का आइडिया है, लेकिन 4 से 5 घंटे लगेंगे, यानी कि रात के 10, 11 या 12 बज जाएंगे। तो अभी देखते हैं, फर्स्टली तो इसका काम चल रहा है, इसको लगने वाला है टाइम, अभी लगभग एक डेढ़ घंटा हो चुका है, और 1.5 घंटा और लगने वाला है भाई, लगे हुए देखिए बड़े मशक्कत से यहाँ पे। तो देखिए जिमनी का काम स्टार्ट हो चुका है, तो
हम लोग ना जिमनी को उठा रहे लगभग 2 से 3 इंच ताकि ऑफ रोडिंग स्नो में कहीं कहीं पर भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 2 से 3 इंच उठने वाली है अपनी जिमनी और हाइलक्स तो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, बस थोड़ी देर में इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए अब जुड़ना स्टार्ट हो चुकी है। तो एक गाड़ी हो चुकी है, हाइलक्स जा चुकी है और अपनी जिमनी भी आगे से लिफ्ट हो चुकी है। देखिए कितनी लिफ्ट हो चुकी है और अभी पीछे का काम स्टार्ट होने वाला है और हाइलक्स निकल गई है देखिए अलाइनमेंट के लिए। तो वो अलाइनमेंट करा के वापस आएंगे और हम लोग उतने तक पिछले टायरों का काम कराएंगे, पिछले टायर लिफ्ट कराएंगे, लेकिन इसकी अलाइनमेंट मुझे नहीं लगता आज हो पाएगी क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और शोरूम बंद हो जाएगा और उसके बाद हम लोग अलाइनमेंट इसकी मनाली में ही करवाएंगे। तो उसके बाद निकलेंगे हम लोग यहाँ से सीधे फ्लैट के लिए। बाकी दूसरे जिमनी और भाई लोग फ्लैट पहुँच चुके हैं, हमें कम से कम 1 से 2 घंटे और लगने वाले, यानी कि रात होने वाली है, तो उसके बाद जाएंगे हम लोग भी। चलिए वेट करते हैं उतने तक, सारा सामान समेटते हैं यहाँ से। ये देखिए रात का टाइम है और भाई लगे मशक्कत करने। भाई ठंड नहीं हो रही आपको? वो भी है, ऐसे नॉर्मली बैठे। देखिए भाई हम लोग ना एक टी शर्ट लगाई, इतनी मोटी सी शर्ट है, जैकेट है, भाई ने देखो एक शर्ट लगाई है पतली सी, भाई एक भाई ने हल्की सी स्वेटर लगाई है। भाई हमें ठंड लग रही है ऐसे हाथ में ना, भाई देखो कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डेडिकेशन। बट यही है, हम लोग भी शूट में सुबह सुबह उठते 2-2, 3-3 बजे, फिर हमें ठंड नहीं लगती। चलिए सही है, अपना अपना काम सबको अच्छा लगता है। तो फाइनली अपना काम हो चुका है, अभी लास्ट चेक कर रहे, सारे नेट टाइट कर रहे, इसके बाद एक बार हम लोग चेक करेंगे कि अलाइनमेंट वाले खुले हैं या नहीं, हमारा काम करेंगे या नहीं, क्योंकि हो सकता है कल सुबह हम लोग मनाली के लिए निकले, प्लान ऐसा बन रहा है क्योंकि वहां पर भी काम है कुछ अपने शूटिंग पर्पज से। तो अभी चलते सीधे निकलते यहाँ से, रात देखिए भाई कितनी ज्यादा हो चुकी है, सब लोगों ने तो यहाँ पे शॉप भी बंद कर दी, बस हम लोग बचे हुए है। तो अभी चलते सीधे अलाइनमेंट वाले के पास, अलाइनमेंट सीधी करते अगर करेगा तो, वरना तो सीधे फ्लैट की तरफ चलेंगे। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं फ्लैट की तरफ क्योंकि अलाइनमेंट तो हुई नहीं गाड़ी की, तो हम लोग जा रहे हैं आगे, हाइलक्स जा रही है। तो अभी ना रात को ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो टाइमिंग भी इतनी लेट लेट तक होती है कि एक लाइटों पर खड़े हो जाओ तो कम से कम भी आपका 50 सेकंड, 60 सेकंड, 80, 90 सेकंड ऐसे ऐसे लाइटें लग रही है। तो अभी निकल रहे हैं सीधे फ्लैट के लिए, तो लगेगा 15 से 20 मिनट। स्लाइट लेफ्ट टुवर्ड हिमालय मार्ग, देन स्लाइट लेफ्ट ऑनटू हिमालय मार्ग। 60 मिनट। देखिए एक्सीडेंट हो चुका है, ये बाइक वाला ना भाई ऐसे उड़ते उड़ते जा रहा था और इसने स्कूटी वाले को ठोक दिया। भाई देखिए और चलो स्पीड में, भाई ये बाइक वाला ना ऐसे कट मार के निकला यहाँ से, हमारे वहां से, और आगे जाके देखिए स्कूटी वाले को उड़ा दिया बेचारी, एक लड़की है बच्चा है। यहाँ रुके भाई, यहाँ देखिए अभी भूतिया हवेली की तरह ना ऐसे पूरा आ रहा, लाइटिंग इफेक्ट दिखाते हैं अभी आपको, थोड़ा पीछे जा रहे हैं हम लोग तब दिखाते हैं, मतलब एक अलग ही एहसास होता है ना, जो अलग लेवल का, वो दिखाते हैं आपको। ये देखना, ये देखिए भाई साइड में लाइटिंग कैसे लग रही है, ऐसे पीछे को भूतिया हवेली वाला भाई।